कैसेस कैलकुलेट करने के लिए हमने डाटा जो है वो एक्सेल की शीट से कॉपी कर लिया है। सबसे पहले रो एट्रीब्यूट्स और कॉलम एट्रीब्यूट्स पे आप इनको चेक करेंगे। उसके बाद आप नेम वाले कॉलम में 1 के ऊपर रख के डाटा जो है वो पेस्ट करेंगे। उसके बाद आप दोबारा से अनचेक कर दीजिए, अगर ना भी आप करें फिर भी ठीक है। और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लें अपने डाटा को। सेलेक्ट करने के बाद आप डाइवेस्टी में जाएंगे, डाइवेस्टी इंडेक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कैलकुलेट होके डाइवेस्टी इंडेक्सेस आ गए। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री है, पेस्चर्स हैं और क्रॉप लैंड्स हैं। ये जो वैल्यूज़ हैं लोअर और अपर वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि मिनिमम इतनी वैल्यू हो सकती है और मैक्सिमम इतनी वैल्यू हो सकती है। लिहाजा जब आप इसको कॉपी करके इसको अपने वर्ड की या एक्सेल की शीट पे लेके जाएंगे तो ये लोअर और अपर वाले जो दोनों कॉलम हैं इनको डिलीट कर देंगे और आपके पास 3 कॉलम बच जाएंगे। इंडाइसेस 2 में हम ये देखेंगे कि जो रिजल्ट आते हैं डाइवर्सिटी इंडाइसेस के, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है। जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं रिजल्ट्स, हमने एक पिक्चर बना के तो उसको पेस्ट किया है जिसमें टैक्सा आ रहा है। टैक्सा से मुराद ये है कि यहाँ पे जो स्पीशीज़ है, मसलन एग्रो फॉरेस्ट्री है तो उसमें 7 है, जो पास्चर है उसमें 6 है एंड सो ऑन। इसी तरह इंडिविजुअल्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्पेसिमेंस जो इस हैबिटेट से कलेक्ट हुए हैं वो हैं। फिर डोमिनेंस है, फिर सिम्पसन्स डोमिनेंस है 1-D। अगर आप डोमिनेंस डी देखेंगे, ये भी जो है सिम्पसन डोमिनेंस है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू जितनी 0 के करीब होगी उतनी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। जबकि अगर आप सिम्पसन 1-D देखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी ये 1 के करीब होगी उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। और इसके बाद शैनन डाइवर्सिटी है, शैनन डाइवर्सिटी की वैल्यू आमतौर पर जो है ये 4.5 तक जाती है। इवननेस है, फिर इसी तरह मैनहेनिक है, मार्गलेफ है और फिशर अल्फा है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये अल्फ़ा डाइवर्सिटी के जो इंडाइसेस हैं, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो जो कैलकुलेट होके आती हैं उनको फिर इंटरप्रेट करना होता है। तो उसके लिए जो है ये इनकी रेंज जो है वो इस स्लाइड में आप देखेंगे। मसलन सिम्पसन्स इंडेक्स जो है वो 0 से लेके 1 तक उसकी रेंज है, यानी जो भी आपकी इंडेक्स कैलकुलेट होके आएगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। और 0 जो है उसका मतलब होगा कि ये इन्फिनिट डाइवर्सिटी है, और 1 का मतलब ये होगा कि नो डाइवर्सिटी। जो इसी तरह मार्गलेफ इंडेक्स है उसकी वैल्यूज़ जो थे वो वेरी करती हैं। मिनहेनिक की वैल्यूज़ जो हैं वो सैम्पलिंग एफर्ट के साथ वेरी करती हैं। शैनन का मैंने बताया जैसे 1.5 से 4.5 के बीच में कहीं होती है। और इसी तरह जो ब्रिलॉइन इंडेक्स है वो 4.5 तक, ये जो शैनन विनर है और जो ब्रिलॉइन इंडेक्स है ये तकरीबन जो है वो कंपैरेटिव हैं। इसी तरह जो फिशर्स अल्फ़ा है उसकी वैल्यू सैम्पल साइज के साथ वेरी करती है। इसी तरह जो पायलो इंडेक्स है उसकी वैल्यू 0 से 1 तक जाती है, और 0 का मतलब ये होता है कि देर इज़ नो इवननेस।